सब्जेक्ट आपकी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो आपकी सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिकल ऑटो प्लस प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ाई जाती है, ठीक, जो आपकी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है अकॉर्डिंग टू यूपी बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अनुसार जो आपका सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या है इसमें, सबसे पहले तो आपका दे रखा है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन तरंग गति और इसके अनुप्रयोग। सेकेंड आपकी यूनिट दे रखी है वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की। थर्ड यूनिट आपकी जो दे रखी है स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। फोर्थ यूनिट जो आपकी दे रखी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ यूनिट आपकी दे रखी है मैग्नेटो स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटाइजम। सिक्स आपकी जो दे रखी है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेवेंथ लास्ट यूनिट आपकी जो दे रखी है मॉडर्न फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी सिलेबस आपकी कितनी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में 7 यूनिट आप लोग पढ़े होंगे। फर्स्ट है आपकी वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सेकंड है आपकी वेव ऑप्टिक्स, थर्ड यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्थ यूनिट आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ आपकी है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सिक्स्थ आपकी है सेमीकंडक्टर फिजिक्स और सेवेंथ आपकी लास्ट मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन यूनिट की। क्या था आपका अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कितने यूनिट को जाना, 7 यूनिट के नाम आपको बता दिए। तो सबसे पहले यूनिट क्या कौन सी थी, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। हिंदी में अगर बोले तो क्या है, तरंग गति और इसके अन्य प्रयोग। तो सबसे पहले क्या होता है तरंग गति, मतलब कोई तरंग है जो एक गति कर रही है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या अपन पढ़ेंगे, अपन तरंग गति मतलब जितनी भी तरंग है वो किस टाइप से गति करती हैं, तो ये तो अपन पढ़ेंगे वेव मोशन के अंदर। अब उनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है तो ये भी उनको जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें इट्स एप्लीकेशन, इन दोनों को मिलाते हमारे यूनिट का नाम बनता है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सर्वप्रथम हम इसमें क्या पढ़ेंगे, यांत्रिकी तरंग, मैकेनिकल वेव, क्या पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होता है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या हलचल को अपन क्या कहते हैं, तरंग, यांत्रिक तरंग कहते हैं। अर्थात किसी माध्यम में उत्पन्न
कोई बिच्छो या हलचल जो बिना रूप बदले, जो बिना रूप बदले एक तरंग उत्पन्न करता है या कुछ माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? कि किसी माध्यम में उत्पन्न बिच्छोभ या हलचल किसी माध्यम में उत्पन्न बिच्छोभ या हलचल के द्वारा जो बिना रूप बदले किसी उस माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, उस माध्यम को क्या बोलते हैं अपन? यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा बेटा कि कोई शांत पानी है, क्या है? कोई शांत पानी है किसी मतलब किसी स्थान पर या किसी गड्ढे में या किसी तालाब में या किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है। जैसे कि मान लिया हमने ये कोई स्थान है, एक तालाब है जिसमें एक पानी भरा हुआ है। अगर उस पानी में हम कंकड़ फेंके, माध्यम एक ही है, बिना रूप बदले, मतलब उस माध्यम का रूप भी नहीं बदल रहे हम। जब बिना रूप बदले क्या होता है, ये अपनी चाल एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता जाता है। इसी हलचल को या इसी विक्षोभ को या इसी समस्या को क्या बोलेंगे अपन? यांत्रिक तरंग कहेंगे, ठीक है। दूसरा अगर बात करी जाए कि बेटा एक अपन डोरी लेते हैं, सेकंड एग्जांपल क्या है, एक तनित डोरी लेते हैं और उसके एक सिरे को पकड़ के अपन हिलाते हैं, तो माध्यम एक ही हुआ, उसमें जो हलचल पैदा हो रही है एक समान स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस माध्यम में उत्पन्न हलचल बिना रूप बदले एक समान आगे बढ़ता जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा हम, यांत्रिक तरंग के अवलक्षणिक गुण। यांत्रिक तरंग के अभिलाक्षणिक गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिट ऑफ मैकेनिकल बेच। तो नंबर एक क्या होता है बेटा कि तरंग संचरण के समय केवल विक्षोभ आगे बढ़ता है। तरंग संचरण मतलब जब वेव का ट्रांसमिशन किया जाता है के समय क्या होता है, केवल विक्षोभ मतलब जो हलचल थी, अभी मैंने जो आपको बताया एक तनित जो डोरी थी उसमें क्या हो रहा था, ये हलचली तो आगे बढ़ रही थी ना कि डोरी, भाई इस एक जगह से इस जगह तक ये डोरी की लेंथ है, इसमें जब हमने एक तरफ से तनित डोरी को हिलाया तो क्या हुआ, हलचली तो आगे बढ़ी थी, ट्रांसमिशन में क्या हुआ, हलचल या विक्षोभ भी आगे बढ़ा था। तो तरंग संचरण के समय केवल विक्षोभ आगे बढ़ता है जबकि माध्यम के कण अपने ही स्थान पर बने रहते हैं, और ये सारी चीजें क्या होते हैं, साम्यावस्था के सापेक्ष कंपन करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है बेटा, इसका अवलक्षण गुण के कंपन करने वाले कणों का वेग शून्य से अधिकतम मान के मध्य परिवर्तित होता है। कंपन करने वाले कणों का वेग शून्य से अधिकतम मान के मध्य परिवर्तित होता है, लेकिन तरंग वेग नियत
रहता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इनके जो कणों का वेग, भाई कण तो वही की वही है, विक्षोभ क्या हो रहा है, हलचल, जो वेग है हलचल ही आपके आगे बढ़ रही है समान गति से। तो कण क्या होगा, कण का वेग शून्य है, बट लेकिन जो हलचल है उसका वेग अधिकतम या नियत चाल से चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा इसके अंदर, तरंग संचरण के समय कणों की कंपन गति, तरंग की कंपन गति के कारण ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है। मतलब कण जो संचरण हो रहा है उस समय किस किस का संचरण हो रहा है, ऊर्जा का और संवेग का, जो के कारण ऊर्जा प्लस संवेग इन दोनों का ही क्या होता है, संचरण होता है। ठीक है, आगे ये आपने क्या पढ़ा, यांत्रिक तरंग के अवलक्षणक गुण। अब आगे पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा यांत्रिक तरंग के अवलक्षणक गुण, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, प्रगामी तरंग धारा। मतलब प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन प्रगामी तरंग धारा। तो प्रगामी तरंग धारा क्या होता है बेटा, जब किसी माध्यम में लगातार तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक, तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण यहां से यहां, माध्यम के जो कण थे वो दोनों ओर अपनी साम्य स्थिति में, मतलब कण तो उसकी साम्य स्थिति में थे, ओनली हलचली तो आगे की तरफ चाल कर रही थी, तो कम माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता है। माध्यम के कण तो साम्य अवस्था में नहीं, दोनों तरफ कंपन करने लगते हैं और अपना जो विक्षोभ मतलब हलचल, ये जो हलचल है ये अपनी आगे की तरफ निरंतर बढ़ती रहती है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुए हलचल या विक्षोभ को अपन प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे यांत्रिक तरंगों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ये टू टाइप्स के होते हैं बेटा, क्या क्या होते हैं देखो, नंबर एक क्या होता है तुम्हारा, अनुप्रस्थ तरंग, और सेकंड आपका होता है अनुदैर्ध्य तरंग। एक आप बेसिकली बोल जनरली रूप में बोल सकते हैं कि ये थर्ड टाइप का भी बोल सकते हैं, वो होता है तुम्हारा साउंड वेव ध्वनि तरंग। बट जो ध्वनि तरंग होती है वो ये दोनों को ही मिला के ध्वनि तरंग होती है। तो आप ठीक है, हम पढ़ लेते हैं कि ये जो यांत्रिक तरंग होती है वो थ्री टाइप की होती है और जनरली में ये क्या है टू टाइप की होती है होंगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बेटा के अनुप्रस्थ तरंग
आगे क्या पढ़ेंगे तुम सब? अनुप्रस्थ तरंग। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अनुप्रस्थ तरंग। अभी जो अपने क्या पढ़ा था? यांत्रिक तरंगों के प्रकार। तो यांत्रिक तरंग जनरली में क्या कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के, एक अनुप्रस्थ तरंग और नंबर दो अनुदैर्ध्य तरंग। इन दोनों को मिलाकर एक थर्ड भी था हमारा, वो कौन सा था? ध्वनि तरंग। तो ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के ये डायग्राम बनाए हुए हैं मैंने, इनको मैं तुम्हें बेसिकली समझाऊं। अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है जानना बहुत जरूरी है पहले, ठीक है? तो जब किसी माध्यम के कणों, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, लंबवत होती है। जब किसी अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है कि जब किसी माध्यम के कणों के मध्य जो कंपन कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उत्पन्न कंपन को क्या कहे? तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को क्या बोलते हैं? अपन अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाएं कि एग्जांपल में क्या है। यदि एक रस्सी को मतलब एक सिरे से किसी स्थान पर क्या कहते हैं निशाना लगाकर वहां बांध दिया जाए और दूसरे छोर को अपन क्या पकड़े, हिलाएं, तो रस्सी में उसकी लंबाई के दिशा में एक तरंग संचरित होने लगती है। जबकि लगाया गया निशाना रस्सी की लंबाई के लंबवत था, जबकि जो क्या कहते हैं निशाना लगाया गया था वो रस्सी के कैसी थी? लंबवत दिशा में था, ठीक। तो ये इस प्रकार से क्या है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो आगे क्या होता है बेटा कि अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन, अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर, ये जो ऊपर की ओर है ना, ये ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को क्या बोलते हैं अपन? सुरंग कहते हैं। ऊपर वाली स्थिति को, अधिकतम स्थिति को क्या बोलते हैं अपन? सुरंग कहते हैं। और नीचे वाली अधिकतम विस्थापन की स्थिति को क्या बोलते हैं अपन? गर्त। ऊपर वाली अधिकतम विस्थापन को तो बोलते हैं अपन सुरंग, और नीचे की अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? गर्त, ठीक। तो आगे पढ़ेंगे अपन दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दोनों क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारी? तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे अपन कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इससे स्पष्ट यह होता है कि एक गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? λ/2, मतलब हाफ लैम्डा होता है। एक सुरंग तथा पास के गर्त के बीच की दूरी λ/2 के बराबर होती है, और दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी क्या होती है? लैम्डा, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य कहते हैं। ये तो अपने पढ़ी अनुप्रस्थ तरंग। अब आगे पढ़ेंगे अपन अनुदैर्ध्य तरंग।
हम धैर्य आगे पढ़ रहे हैं अनु धैर्य प्रारंभ। देखो जब किसी माध्यम के कणों के मध्य उत्पन्न कंपन, जब किसी माध्यम के कणों के मध्य कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर हो। अनुप्रस्थ में तो क्या था लंबवत और अनुदैर्ध्य में क्या है समांतर। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समांतर हो तो उस तरंग को क्या बोलेंगे अपन अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एग्जांपल के लिए अपन बात कर रहे हैं एक क्षैतिज अवस्था में क्या है एक हॉरिजेंटल कंडीशन में एक लंबी स्प्रिंग को लटका दो। एक हॉरिजेंटल स्थिति में क्या है एक स्प्रिंग को लटका दो। एक हॉरिजेंटल स्थिति में अपन ने क्या है स्प्रिंग को लटका दिया और इस पे क्या है कुछ एक सिरे के कुछ भाग को दबाकर अपन ने इस भाग को थोड़ा सा दबाया फिर शीघ्रता से छोड़ दिया। छोड़ने पर क्या होता है स्प्रिंग के प्रत्येक छल्ला उसकी लंबाई के समांतर में कंपन करने लगता है तथा स्प्रिंग में उसकी लंबाई की दिशा में तरंग ट्रांसमिट होने लगती है संचरित होने लगती है। स्प्रिंग की लंबाई के साथ ही तो कंपन की जो छल्ले हैं ट्रांसमिट हो रहे हैं और जो ट्रांसमिट होते हैं तो अतः स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें जो इसमें तरंगें वाइब्रेशन में उत्पन्न हो रही है तरंगें में उत्पन्न हो रही है उसे ही क्या कहते हैं अपन अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा था दोनों अनुप्रस्थ तरंगें पढ़ी अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ी। तो अब क्या होता है तरंग संबंधी कुछ परिभाषा सम डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेव्स। तो सबसे पहले क्या होता है आयाम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा कि माध्यम के घटकों के कंपन का आयाम का आयाम घटकों के कंपन का आयाम ही तरंग आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है तरंग आयाम कहलाता है। अतः कंपन करते माध्यम के घटक का साम्य अवस्था मतलब रेस्ट पोजीशन साम्य अवस्था को से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से क्या प्रदर्शित करते हैं डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है इसका मात्रक मीटर होता है। तो आयाम क्या होता है माध्यम के घटकों के कंपन का आयाम ही तरंग आयाम कहलाता है और अतः
अतः कंपन करते माध्यम के घटक का साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित या डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है? डेफिनेशन आवर्त काल का क्या होता है? टाइम पीरियड। तो आवर्त काल क्या होता है बेटा? देखो कि माध्यम के घटकों के द्वारा तरंग संचरण के समय एक कंपन पूरा करने में लिया समय तरंग आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसे कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका सेकंड क्या होता है? सेकंड इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो तरंग संचरण के समय माध्यम के घटकों के द्वारा प्रति सेकंड तय किए गए कंपनों की संख्या तरंग आवृत्ति कहलाती है। क्या होती है बेटा आवृत्ति? तरंग संचरण के समय माध्यम के घटक के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई कंपनों की संख्या अपनी क्या कहलाती है? तरंग आवृत्ति कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कंपन प्रति सेकंड की दर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है। आवर्तकाल व आवृत्ति में संबंध क्या संबंध होता है इसके अंदर? तो n बराबर 1/T। सिंपल सी बात, n आवृत्ति, t आवर्तकाल। तो जो आवर्तकाल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। किसके? आवृत्ति के प्रतिलोमानुपाती होता है। n बराबर 1/T। अब आगे पढ़ेंगे अपन कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति कोणीय आवृत्ति क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बेटा देखो कोणीय आवृत्ति क्या होता है? कंपन करते कण
की कला में परिवर्तन की दर, कंपन करते कण की कला में परिवर्तन की दर कोणीय आवृत्ति कहलाती है। मतलब जो कण कंपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके कला की परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, हमारी कोणीय आवृत्ति कहलाती है। और क्योंकि एक कंपन पूरा होने में कण 2π कला कोण तय कर लेता है। मतलब एक कंपन पूरा करने में कितने कला कण तय करता है, 2π। अतः क्या होता है बेटा, अतः ओमेगा बराबर 2π/T। कोणीय आवृत्ति को कैसे नोट करते हैं, ओमेगा से ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T। मतलब एक कंपन पूरा करने में उसको कितने कला तय, 2π कला तय करने होते हैं। तो क्या होता है, ओमेगा बराबर 2π/T। और इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, इसका एसआई मात्रक होता है। आगे क्या करोगे बेटा, आगे डालिए क्या कहते हैं, संचरण नियतांक। संचरण नियतांक से पहले तुम पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं तरंग दैर्ध्य। तो ये क्या होता है कि माध्यम के कण के एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, अपन तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, इसे कैसे नंबर करते हैं बेटा, लैम्डा से इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक कैसे, मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक जो होता है वो ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है कि माध्यम के कण के एक कंपन पूरा करने में तय की गई तरंग द्वारा तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपन संचरण नियतांक। तो एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर संचरण नियतांक कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात, एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर संचरण नियतांक या कोणीय तरंग संख्या कहलाती है। इसे कैसे नोट करते हैं, इसे स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल के इक्वल टू 2π/λ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर 2π/λ। तो इसका क्या मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स या रेडियन प्रति मीटर। और सदैव ध्यान रखेंगे कि x दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर δφ = 2π/λ x। अब ये किसके बराबर होता है, के बराबर। तो δφ = k(x)। इसी प्रकार डेल्टा टी
इसी प्रकार डेल्टा टी समयांतर डेल्टा टी समयांतर के संगत कलांतर के संगत कलांतर तो डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल टी, क्योंकि समांतर के संगत अपन कलांतर निकाल रहे हैं। तो आपका क्या निकला, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल टी। ये हुआ हमारा संचरण नियतांक। अब आगे पढ़ेंगे अपन तरंग गति। तो ये सारी क्या चल रही है हमारी, सारी चल रही है सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेव मोशन। तो हेडिंग क्या है तुम्हारे लास्ट, तरंग गति। क्या पढ़ेंगे तुम, तरंग गति। तो तरंग गति क्या होती है, कोई तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। इसे स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। तो कोई तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, तरंग गति कहते हैं, और इसे स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम तरंग गति आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। रिलेशन बिटवीन वेव मोशन फ्रीक्वेंसी एंड तरंग दैर्ध्य, तरंग गति आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो इनके बीच क्या संबंध होता है कि माना के तरंग गति आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो ये एग्जाम के लिए तो माना के किसी कण की चाल, माना कि किसी कण या तरंग, किसी तरंग की चाल भी आवृत्ति स्मॉल एन तथा आवर्तकाल कैपिटल टी है तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तब तरंग दैर्ध्य की परिभाषा के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू तरंग वेव इनटू समय। तो लैम्डा बराबर तरंग वेव क्या वी और तुम्हारा समय टी, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी इनटू टी। देन क्या होता है कि टी बराबर 1/n होता है, टी बराबर क्या होता है 1/n आवर्तकाल के अनुसार। तो अतः लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू 1/n। तो वी बराबर क्या होगा, तो वी बराबर लैम्डा एन। तो आपका क्या है, तरंग गति आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। मतलब जो तरंग गति होती है वो आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है।
अब क्या पढ़ेंगे अपन, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, ये भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है, जब माध्यम के कण तरंग संचरण के समय एक ही तल में सरल आवर्त गति करते हैं, तो उत्पन्न तरंग को समतल प्रगामी तरंग कहते हैं, तथा इस प्रकार आवर्त प्रगामी तरंग की समीकरण निम्न प्रकार है। अतः इस प्रकार आवर्त प्रगामी की समीकरण निम्न प्रकार है। तो क्या होता है, y बराबर a साइन पोस्टर स्टार्ट ओमेगा छोटा पोस्टर स्टार्ट टी प्लस एक्स अपॉन बी छोटा पोस्टर वन प्लस फाइव जीरो बड़ा पोस्टर वन। तो आपका क्या है, इस प्रकार आवर्त समीकरण प्रगामी का समीकरण जो होता है वो आपका ये होता है, यहां फाइव जीरो जो है मूल बिंदु पर स्थित कंपन करते कण के लिए प्रारंभिक कला कोण है। फाइव जीरो क्या है, मूल बिंदु पर स्थित कंपन करते कण के लिए प्रारंभिक कला कोण है। तथा यदि फाइव जीरो इक्वल टू जीरो हो तब तरंग की गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। तब क्या है, तरंग की गति का यह समीकरण निम्न प्रकार होगा। तो क्या होगा बेटा, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन बी, बिकॉज फाइव जीरो इक्वल टू क्या था जीरो, तो जो फाइव जीरो वाला पोर्शन है वो अपना समाप्त हो गया। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा को अंदर प्रकट कराया ओमेगा t माइनस ओमेगा x अपॉन v। देन क्या होता है, चूंकि ओमेगा k अपॉन v होता है, v बराबर क्या होता है ओमेगा अपॉन k, a यहां पे क्या है संचरण नियतांक। तो y is equal to a sin omega t minus k x, तो then क्या होगा, अब क्या होगा omega बराबर क्या होता है, चूंकि omega is equal to 2 pi upon t होता है, तो k बराबर क्या होगा, k बराबर होता है 2 pi upon lambda। ये अभी मैंने सम इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन कराई वहां से ये सारी चीजें हमने, तो y बराबर क्या होता है बेटा हमारा a sin 2 pi t upon t माइनस x upon lambda। तो आपका ये क्या निकला कि जब हमारा phi zero मतलब कला कोण जो है वो हमारा कैसा हो शून्य हो, तो हमारा समीकरण क्या होता है y बराबर a sin 2 pi small t upon t माइनस x upon lambda होता है। अब क्या होगा बेटा कि यदि समीकरण कैसा हो, x अक्ष पर धनात्मक दिशा में हो, क्या हो यह समीकरण धनात्मक x दिशा में संचरण अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर
y बराबर a sin sin ओमेगा t माइनस kx, मतलब ये जो वाला समीकरण है वो किसके लिए है, x दिशा में, x दिशा में, बट क्या होनी चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक पॉइंट। तो उस पर हमारा क्या करते हैं, प्रगामी तरंग का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, यदि x दिशा में, यदि x दिशा में ऋणात्मक हो, डायरेक्शन कैसी हो, ऋणात्मक, तो समीकरण हमारा प्रगामी तरंग का जो समीकरण होगा वो y बराबर a sin ओमेगा t प्लस kx होगा। ये कैसा होगा, x दिशा में ऋणात्मक हो तो y बराबर a sin ओमेगा t, ओमेगा t, हाँ अब क्या है, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव, कंपैरिजन बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव, मतलब प्रकाश तरंग व ध्वनि तरंग के मध्य तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए क्या बेटा, टेबल कोई बात नहीं, बनाओ जो बचपन से बताते आए हैं बेटा, एक साइड एक साउंड वेव, देन अपन क्या लिखा, लाइट वेव, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है आपका ध्वनि तरंग माध्यम के कणों के मध्य दबाव का परिणाम होता है। जो साउंड वेव होता है वो क्या होता है कि माध्यम के कणों के मध्य जो दबाव प्रेशर होता है वही हमारा क्या होता है, परिणाम होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, साउंड वेव कहते हैं। और लाइट वेव क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही अपन लाइट वेव कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हुआ बेटा, इसके अंदर ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है और प्रकाश तरंगें सदैव अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, ध्वनि में y में अधिकतम वेग कितना होता है इसका, 3.330 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकता है। तो इसका क्या होता है, ध्वनि का y में अधिकतम वेग कितना होगा, 3.30 मीटर प्रति सेकंड होगा। और प्रकाश तरंग का क्या होगा बेटा, प्रकाश तरंग का निर्वात अथवा बाय में अधिकतम वेग होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा बेटा इसके अंदर, कि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह तरंगें निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। और प्रकाश तरंगें क्या होती है बेटा, कि प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। ये फोर पॉइंट है आपके कंपैरिजन बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव के अंदर। ठीक, ये तुम्हें डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट पॉइंट में, अब ये आप नोट कर सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर भी ये क्या कहते हैं 2019 में भी ये अध्यारोपण का सिद्धांत आया हुआ था एग्जाम में। तो क्या होता है कि माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात कि माध्यम के प्रत्येक कण का जो किसी क्षण परिणामी जो रजत विस्थापन होता है, ठीक है, तो दोनों द्वारा
उत्पन्न अलग अलग उत्पन्न विस्थापन का जो बीजगणितीय समायेगा एलजेब्रिक जो समायेगा वो बराबर होता है, ठीक है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब अपन करेंगे न्यूमेरिकल सम इंपोर्टेंट डेफिनेशनों के अकॉर्डिंग। ये आपका न्यूमेरिकल है, किसी डोरी के अनुदेश गमन करती तरंग का विवरण इस प्रकार है, y x t is equal to 0.005 sin 80.0x minus 3.0t। यहाँ आंकिक स्थिरांक एसआई मात्रक में है, 0.005 मीटर कॉमा 80.0 रेडियन प्रति मीटर तथा 3.0 रेडियन प्रति सेकंड तरंग का सबसे पहले क्या निकालना है, आयाम निकालना है, बी तरंग दैर्ध्य निकालनी है, थर्ड आवर्तकाल से आवृत्ति निकालना है, और डी पॉइंट आपकी दूरी x बराबर 30.0 सेंटीमीटर तथा समय t इक्वल टू 20 सेकंड पर तरंग का विस्थापन y भी ज्ञात करो। तो अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या है इसका, के कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन का यूज करेंगे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा kx माइनस ओमेगा t से अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे, y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा t से तुलना करेंगे। अब क्या दे रखा है हमें, ये वाला, ठीक। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंपेयर गिवन जो दे रखा है, गिवन दे रखा है y x t इज इक्वल टू 0.005 मीटर साइन 80.0x माइनस 3.0t 80.0 रेडियन प्रति मीटर तथा 3.0 रेडियन प्रति सेकंड। अब डायरेक्ट अपन कंपेरिजन कर लेंगे तो हमें जो आयाम प्राप्त हो जाएगा, तो ए फर्स्ट हमारा क्या हुआ, ए आयाम, आयाम कितना दे रखा है, इसी तरह 0.005 आयाम निकल आया हमारा 0.005 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य बी पॉइंट ज्ञात करना है। तो बी पॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, क्या के बराबर दे रखा है हमारा 80.0 मीटर इनवर्स। अब क्या होता है, के बराबर होता है 2π/λ, तो 2π/λ बराबर 80 ठीक मीटर प्रति इनवर्स। देन क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 2π/80 मीटर, क्या हो जाएगा 2π/80 मीटर। अब 2π की वैल्यू कितनी होती है 3.14/80। अब इसका जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके वो आया तुम्हारा 0.0785 मीटर। कितना निकला, के बराबर, यहां से कंपैरिजन किया तुमने तो k की वैल्यू कितनी निकली थी 80.0 मीटर इनवर्स। तो k बराबर क्या होता है, जो संचरण नियतांक में भी आपने पढ़ा था, तो k बराबर होता था 2π/λ, तो k की जगह पर हमने क्या रखा 2π/λ, तो 2π/λ तो 2π/λ बराबर 80 मीटर इनवर्स। अब क्या किया हमने, लैम्डा बराबर 2π पर तक पहुंचाया, तो 2π/80 मीटर अपोजिट था तो हमने ऊपर कर दिया, तो 2π/80, तो लैम्डा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14, तो 2 × 3.14/80 इज इक्वल टू 0.0785 मीटर। ये हमारा निकल आया तरंग दैर्ध्य। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे आपातकाल एवं आपृति, आपातकाल एंड आपृति। तो देखो ओमेगा बराबर क्या दे रखा है 3.0 रेडियन प्रति सेकंड। ये देखो कंपैरिजन करके, तो 3.0 रेडियन प्रति
सेकंड, तो टी बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन 3। तो डायरेक्टली अपन निकाल दिया 3.14 तो आंसर निकल आया हमारा 2.09 सेकंड। ये निकल आया हमारा आवर्त का। देन अपन क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आवृत्ति, n इज इक्वल टू क्या होता था 1/t। तो t की वैल्यू कितनी निकली, n बराबर 1/2.09 सेकंड। तो ये हमारा निकल आया हर्ट्ज आपूर्ति निकला है। अगर इसका और डिवाइडेशन कर दो तो 0.48 हर्ट्ज। ठीक है, ये तुम्हारी आपूर्ति सी पॉइंट क्लियर हो गया। देन अपना लास्ट पॉइंट क्या बचा हुआ है डी, जिसमें दूरी एक्स बराबर 30.0 सेंटीमीटर तथा टाइम कितना दे रखा है 20 सेकंड पर अपन को क्या निकालना है तरंग का विस्थापन ज्ञात करना है। अब ये सारी क्या कहते हैं इसकी इसकी और इसकी हमें वैल्यू ज्ञात हो गई, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे कि y = x, t। अब डायरेक्ट निकाल दो इनके क्या कहते हैं 0.005 sin 80 × 0.80 x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30.0। तो 32 समय अब आगे बढ़ो क्या कहते हैं माइनस के 3 × t की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेकंड। अब इसका जब आगे सॉल्यूशन करके कितना आया आंसर हमारा 4.95 एमवी। ये आपका न्यू वैल्यू।